दोस्तों मैं हूँ जिसान अरिप और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज या किसी अदर जगह पे अगर आप SBI के माध्यम से चालान दिए थे या ट्रेनिंग कॉलेज में अप्लाई के लिए, जैसा कि अभी मालूम है कि चालान जो लिया जा रहा है वो SBI के माध्यम से आपको 100 रुपये के चालान लिया जा रहा है, या किसी अदर कंपनी कोई काम के लिए आप चालान दिए, या गवर्नमेंट को ही किसी तरह का काम के लिए, मतलब कोई किसी भी काम के लिए आप चालान दिए, या प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट हो या टीचर ट्रेनिंग, कहीं भी आप SBI के माध्यम से अगर चालान दिए होंगे तो आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर वो चालान खो गया है या पेमेंट सक्सेस हो गया था, चालान नहीं मिला, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे चालान किस तरह आप फिर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से कितना भी पुराना क्यों ना चालान हो, सभी चालान को आप डाउनलोड कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से बिना एक भी रुपये खर्च के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब यूट्यूब पर सर्च करेंगे जिसान मॉनिटर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अलग अलग कैटेगरी अलग अलग प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, जैसे कि पैन कार्ड या वोटर कार्ड रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के मैंने 15 वीडियो अलग अलग बनाए हैं। यूट्यूबर अगर आप है तो उस टॉपिक मैंने 10 वीडियो बनाए हैं। तो जिस भी टॉपिक की आपकी वीडियो चाहिए देख सकते हैं, 10, 11, 15 वीडियो में आपको दिया। अगर टीचर ट्रेनिंग डीएलएड की अप्लाई करने की सारी प्रोसेस जाना है तो यहाँ पर 6 वीडियो में अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग जिले का अलग अलग वीडियो दिया हूँ। अगर आवासीय जाति EWS बनाने की प्रोसेस जाना है तो आप इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस SBI की इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं SBI कलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे SBI कलेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली से देख सकते यहाँ पे स्टेट बैंक कॉलेट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, किस ऑप्शन से आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, डेट से आप सर्च करना चाहते हैं, या अगर आपके पास ट्रांजेक्शन ID है, रिफरेंस नंबर है तो उससे और डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन से आप खोजना चाहे अपने ट्रांजेक्शन को आप खोज सकते। चलिए मैं पहला वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दूंगा, मोबाइल नंबर दूंगा। यहाँ पे देखिए किस डेट से किस डेट के बीच में आपने ट्रांजेक्शन किया था, यहाँ पे कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 20 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देंगे और मोबाइल नंबर देंगे, ये डिटेल देने के बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे, उसके बाद गो बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए सारे ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएंगे, किस इंस्टीट्यूट को या किस कंपनी को, किस गवर्नमेंट को, किस काम के लिए आपने चालान कटाया था उसकी डिटेल भी आपको देखने को मिलेंगे, कितने के चालान कटाए, किस डेट में कटाया था आपने, और यहाँ पे उसकी स्टेटस क्या है, पेड है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। एक्शन पे क्लिक करेंगे प्रिंट भी, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो यहाँ पर फेल है, कस्टमर कैंसिल, कस्टमर के द्वारा कैंसिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते 3 अलग अलग कॉलेज का यहाँ पर दिखा रहा है, तीनों में प्रिंट है। अगर आप किसी गवर्नमेंट किसी अदर गवर्नमेंट की जगह पे या किसी प्राइवेट जगह पे अगर दिए होंगे तो आप इसके माध्यम से उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने वाले किसी को निकालना, जैसे कि ये डाइट पटना का, इसके रसीद हमको निकालना है चालान, फिर से उसके लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, यही आपका रिसिप्ट हो गया, और इस प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट करके दे सकते हैं कस्टमर को। इस तरह से प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते, देख सकते वही चालान है जो आपने चालान कटाते वक्त मिला था आपको। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने जाना कि चालान को फिर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चालान को रिप्रिंट कैसे कर सकते हैं, कि वो किसी भी काम के लिए अगर आपने चालान बनाया था तो ये छोटा सा एक सिंपल सा प्रोसेस था एक चालान डाउनलोड करने का, जो चालान आपने SBI के माध्यम से दिया था। तो उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने पूरी चीज़ सीखा, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपकी फ़ोन तक पहुंच सके।